નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરે છે. અંતરંગ આજે અમારી સાથે છે શિવાનીજી. શિવાની દીદી, આપકા સ્વાગત હૈ કાર્યક્રમ. થેન્ક યુ સો મચ. સબસે પહેલે તો પૂછના ચાહુંગા કે બહોત સારે લોગો કો એક માર્ગ દિયા હૈ, એક વે દિયા હૈ, જીને કી એક રાહ દી હૈ. શિવાનીજી કે શબ્દો સે કઈ લોગોને અપની જીવન કી રાહ ચુની હૈ. શાયદ વો ભટક ગયે થે, યા તો સહી રાહ પે ચલતે ચલતે કઈ લોગો કો લગતા થા કી યે બીચ મે રુકાવટે બહોત આ રહી હૈ. શિવાનીજી ને જો દિયા ઉસસે બહોત લોગો કે જીવન મે ફર્ક પડા હૈ. લેકિન શિવાનીજી કો ઇસ રાહ મે લાને વાલા કોન? થેન્ક યુ, વોટ અ બ્યુટિફુલ ક્વેશ્ચન. કે એક હોતા હૈ હમ કિસી કો રાહ દિખાતે હૈ, और एक होता है हमें कुछ किसी ने उस राह पे चलाया और हम उस राह पे चल रहे हैं, और क्योंकि राह अच्छी लग रही है तो हम दूसरों के साथ सिर्फ वो शेयर करते हैं. शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चलते चलते हमें अच्छा लग रहा है उसके ऊपर, और दिख रहा है कि आसपास बहुतों को वो चाहिए था लेकिन सिर्फ पता नहीं था. तो ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में परमात्मा डायरेक्टली हमें ये जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, और सिखाकर हमारे अंदर वो शक्ति भी भरते हैं ताकि हम उस पर चल सके. जैसे आपने कहा ना, पता था लेकिन ऑब्स्टिकल आता है, मतलब मालूम है लेकिन करने में रुकावट आती है या करने की ताकत नहीं होती. तो दोनों चीजें चाहिए, ज्ञान, और ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकत. तो परमात्मा का ज्ञान वो हमें ताकत भी देता है, फिर हम उसको ट्राई करते हैं. ट्राई करते करते हमें ये भी दिखाई देता है कि उसके साथ क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे. जैसे एक सिंपल एग्जांपल भी हम लें कि गुस्से के बिना काम हो सकता है. इनफैक्ट गुस्से के बिना ही सारा काम बहुत अच्छा हो सकता है, और प्यार से करें तो बहुत बढ़िया हो सकता है. अब ये किसी और के साथ अगर शेयर करो पहले, तो आपको सडनली बहुत सारी ऑपोजिशन मिलने वाली है कि गुस्से के बिना तो लोग बिगड़ जाते हैं, काम अचीव नहीं होगा. लेकिन अगर आप उसको पहले ट्राई करो अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ, तो आपको सारे ऑब्स्टिकल्स भी दिख जाते हैं कि हाँ, शुरू में लोग थोड़ा सा लाइटली लेंगे आपको, आपकी बात को फिर बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ बोलना तो है नहीं ऊपर से. लेकिन आप उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन देखते हैं कि आप गुस्सा बाहर से नहीं करते, अंदर से भी नहीं करना है, और आप अपने वो प्यार की वाइब्रेशन कॉन्स्टेंट रखो, तो वही टीम बहुत जल्दी आपको काम करवाना. मेरा बेसिक सवाल था कि शिवानी जी को इस राह पे कौन लाए? परमात्मा निराकार शिव डायरेक्ट. बस कब अनुभूति कब हुई है? ग्रेजुअली, नॉट एक वन एट अ टाइम, ग्रेजुअली, धीरे धीरे. ज्ञान को आपने लिया, स्टडी करना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी प्राप्ति दिखाई दी. प्राप्ति दिखाई दी, चलते गए. बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये सब चीज पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आई होगी, क्योंकि रिलीजियस बात है, तो कई बार आपको भी संदेह हुआ होगा कि ये क्या बात है. क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान बचपन से पैदा होते ही रिलीजियस थॉट नहीं रखता. कहीं झिकझिक होते 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 उसको जब फीडिंग होता है रिलीजियस अच्छी अच्छी बातों का, तो कभी संशय संदेह ये भी हुआ होगा? इनिशियली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, लेकिन साइंस आपको एक और चीज भी सिखाती है, एक्सपेरिमेंट कर लो पहले, रिजेक्ट नहीं करो चीज को. तो जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं, तो सबसे पहली चीज जो पता चली वो ये थी कि डायरेक्ट परमात्मा यहाँ पढ़ा रहा है, कोई और मनुष्य आत्मा नहीं पढ़ा रही है, परमात्मा स्वयं आया हुआ है इस टाइम. दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, एंड आई फर्स्ट टेंड टू मेक फन ऑफ इट, एंड आई सेड अच्छा, भगवान इनके पास आके पढ़ा रहा है, इट वॉज लाइक ऐसे वाली बात कि उसको आप रिडिक्यूल कर देते हो. लेकिन फिर बहुतों को देखा कि इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, और ये दिख रहा है कि कुछ इनको मिला. आई कांट से कि इनको बहुत मिला, लेकिन इनको कुछ तो मिला है करके. तो फिर एक ही ऑप्शन था, या तो रिजेक्ट कर दो या एक बार एक्सपेरिमेंट कर लो. तो साइंस कहती है हाइपोथेसिस के साथ स्टार्ट करना पड़ता है. अगर आप कहो कि पहले मुझे प्रूफ करो कि भगवान यहाँ पढ़ा रहा है, अगर मैं प्रूफ मुझे हो गया तो मैं चलूंगी, तो वो कभी नहीं हो सकता. तो यू हैव टू स्टार्ट विद सपोज ए इज इक्वल टू बी, फिर
को प्रूफ करो तो एंड में आता है देयर फोर ए इज इक्वल टू बी, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ता है कि सपोज ए इज इक्वल टू बी. तो फिर आई स्टार्टेड विद सपोज यहाँ भगवान यू सेड कि भगवान साक्षात यहाँ पढ़ा रहे. नाउ बात यहीं पे आके अटकती है कि हिंदुस्तान में इतने सारे बुद्धिजीवी लोग, इतने सारे लोग अपने आप को सच कहने वाले लोग, मिथ्याभिमान वाले भी लोग कि हम जो कह रहे हैं वही सच है, ऐसे भी लोग. कॉमन मैन परेशान है, किसका गॉड सच्चा? एब्सोल्युटली. नाउ नाउ व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ गॉड, रादर कौन है, क्या है गॉड? क्योंकि इतने सारे बुक्स हमारे सामने आ गई, इतने सारे लोगों को सुन लिया बचपन से लेके आज तक, कोई कहता है ये इसको गॉड मानो, कोई कहता है इसको गॉड मानो. आपके हिसाब से किसको मानना चाहिए गॉड? डॉक्टर वही जो मुझे ठीक करता है, डॉक्टर वो जिसको मैं जाके प्रेस करके घर आ जाऊं, डॉक्टर वो नहीं जिसको दुनिया प्रेस कर रही है, डॉक्टर वो जिससे मैं ठीक हो जाऊं. तो परमात्मा वो जिससे मेरे अंदर की जो कमजोरियां हैं, मेरे जो संस्कार है, मेरी हीलिंग हो जाए, तो परमात्मा मेरे लिए वो. तो वो शक्ति जब मुझे मिलेगी और मैं उसके साथ वो कनेक्शन जोड़ू और मुझे अपने अंदर चेंज दिखाई दे. जो आपने कहा अभी तक हम यहाँ गए सब कुछ किया, घर आकर तो हम वैसे के वैसे थे ना जैसे गए थे. हम तीर्थ पर गए, हम सत्संग में गए, हम मंदिर में गए, अच्छा लगा जाके, ऑफकोर्स अच्छा लगता है, लेकिन जब वापस आए तो वैसे के वैसे वापस आए. तो ये जो बिलीफ सिस्टम बना कि जितनी देर जाएंगे, जितनी देर करेंगे अच्छा लगेगा, उतनी देर, विच मीन्स जितनी देर डॉक्टर के पास बैठे हैं उतनी देर आई एम हेल्दी. वापस आने के बाद डॉक्टर वो जो मुझे ठीक करे. तो यहाँ पर जब मैं आई और स्टडी किया, परमात्मा का ज्ञान स्टडी किया, उसका मैजिक देखा कि क्या काम हो रहा है, और परमात्मा को डायरेक्टली फील किया है. शिवानी जी, यहाँ बात आती है कि कई बार डॉक्टर के एग्जाम्पल से ही बताऊं, दवाई को गॉड मानना चाहिए या डॉक्टर को गॉड मानना चाहिए? डॉक्टर अगर राइट होगा तो वो मरीज को राइट दवाई देगा. दवाई को डॉक्टर की इंटेलिजेंस समझो या डॉक्टर की पावर समझो, लेकिन दवाई जब वर्क कर रही है तो इसका मतलब डॉक्टर भी सही है. डॉक्टर की पूजा करनी चाहिए या डॉक्टर के पास जो ज्ञान है उसकी पूजा करनी चाहिए? डॉक्टर पर विश्वास करो और डॉक्टर की दवाई को यूज करो. डॉक्टर पर फेथ नहीं होगा तो उसकी दवाई भी वर्क नहीं करती है. तो फेथ ऑन द डॉक्टर एंड देन द कन्विक्शन टू यूज हिज ट्रीटमेंट. तो फेथ ऑन गॉड एंड देन यूजिंग हिज नॉलेज. शिवानी जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए होंगे कि शायद उन्होंने बताया होगा कि बहुत आके ब्लंटली, बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं मानने वाले लोग भी आते होंगे. कभी ऐसा डायलॉग भी हुआ होगा, कोई एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, बिल्कुल आके चैलेंज भी किया होगा आपको? किस बात के लिए? ज्ञान के बारे में. या तो जो आप बता रहे हो बिल्कुल गलत है, ऐसा भी शायद किसी ने फ्लोर पे आके शायद बात भी किया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? इतने लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहली चीज हम उनकी सोच को रिस्पेक्ट करते हैं कि इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल टू फील. ही इज अ डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही इज, मतलब वो डेयर कर रहा है कि आपको पूछने की, वो मतलब कुछ जिज्ञासा है. हाँ, वो अच्छा है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है मुझे ये अटेंशन होता है कि मेरा उनके प्रति कैसी सोच चलती है. चाहे कई बार ऐसे भी हो कि लोगों का पूछने का तरीका बहुत सही नहीं होता. कई बार लोग जिज्ञासा में सिर्फ चैलेंज करने के लिए पूछते हैं, कई बार लोग सिर्फ आपको कहीं बात में अटकाने के लिए पूछते हैं, कई बार तो लोग प्रवोक करने के लिए पूछते हैं. उन्हें कई बार तो सिर्फ ऐसे ही प्रवोक करते जाएंगे, देखेंगे कि आप कब तक स्टेबल रहते हो. और अगर आपने थोड़ा सा एक वर्ड भी ऐसे कहा तो कहेंगे देखा ना आपको भी गुस्सा आ गया. सो इट्स एक्चुअली मोर लाइक अ प्रोवोकेशन रादर देन अ जेन्युइन इंटरेस्ट. हर तरह की आत्माएं होती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके प्रति अपनी रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखना. अगर रिस्पेक्ट इंपैक्ट होगी कि इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि इनके मन में ये क्वेश्चंस हैं और ये नेचुरल है ऐसा फील करना. और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप नॉलेज को इम्पोज नहीं कर रहे हो, ना ही हम ये कह रहे हैं कि यही सही है और आपका गलत है. ये मेरे लिए इस टाइम सही है और आप जो कह रहे हैं वो आपके लिए सही है. वी बोथ आर राइट. इट्स नेवर राइट एंड रॉन्ग, इट्स बोथ आर राइट. ये मेरे लिए सही है, मैंने अनुभव किया, I am sharing. If you feel like experimenting, I am sharing.
विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनो कार्यक्रम अतिथि मां। शिवन जी, आपने बताया कि प्रोवोक करने के लिए भी कई लोग ऐसी चैलेंजेस करते हैं। पास्ट में कई बार, अगर थोड़ा पास्ट में जाते, अभी जो शिवानी जी है इतनी स्वस्थ, इतने अच्छी तरह से पूरा ज्ञान देते, क्या क्या बचपन में भी ऐसे ही शिवानी जी थी, या थोड़े थोड़े वही मजाक मस्ती, थोड़ी सी चंचलता तो हुई होगी? मजाक मस्ती तो अभी भी होती है। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप अपनी मजाक मस्ती बहुत मुंह ऐसा करके सीरियस बातें करना, ऐसा नहीं। स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है। हमने एक बार बड़ी भ्रांति क्रिएट की है कि स्पिरिचुअलिटी मींस वेरी सीरियस, स्पिरिचुअलिटी मींस हंसना नहीं, बोलना नहीं, सबके साथ घुल मिल करके नहीं करना। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट। स्पिरिचुअलिटी है सही सोच और क्लीन सोच। इट डजंट मीन आपको उसके लिए सीरियस होना है। आप बहुत सीरियस होकर भी अंदर किसी के लिए गलत भी तो सोच सकते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट इज अंदर हल्कापन, अंदर लाइटनेस एंड अंदर सफाई। हाँ, ये है कि पहले में और अभी में संस्कार बहुत सारे बदले हैं, डेफिनेटली। लेकिन फन में खत्म हो गया है जीवन से। फन तो अभी भी है, लेकिन संस्कार जो तकलीफ दे रहे थे और जिनको कॉन्शियसली चेंज किया है अवेयरनेस के साथ। सपोज जिद करने का संस्कार, मेरे अंदर बहुत जिद करने का संस्कार था। आई आर्ग्यू आर्ग्यू आर्ग्यू, वो चेंज किया। रिस्पेक्ट करना शुरू किया, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना शुरू किया। गुस्से का संस्कार, बहुत ज्यादा क्रोध का संस्कार था, उसको रिप्लेस किया। अभी बाहर गुस्सा नहीं आता है, आई हैव रीच्ड टिल दैट। लेकिन अभी भी मेरे अंदर हर्ट हो सकता है, गुस्सा नहीं। As a human being, obviously, हर्ट होता है, लेकिन मुझे अवेयरनेस है कि ये हर्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ, दिख रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब मैं उस हर्ट के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करती कि उनकी वजह से। मुझे दिखता है ये मेरी बीमारी है, मैंने क्रिएट किया, अभी मुझे इसको ठीक करना है। तो पहले अगर कुछ घंटे लग जाते ठीक करने में, अभी कुछ मिनट में ठीक हो जाता है। तो धीरे धीरे। शिवानी जी, ये एक चर्चा बहुत चली है कि अगर आपको कोई भी स्पिरिचुअल वे में अगर जाना है, कोई भी पाथ पे, हिंदुस्तान में बरसों से दो सोच एक दूसरे के सामने आके खड़ी रही है, साधुत्व या संसारिता। हम कहते हैं संसार में रहते हुए अंदर साधु ये बनना है। आज दिन तक क्योंकि ताकत नहीं थी आत्मा के अंदर, तो हमने सोचा संसार में रह कर वो पवित्रता जीवन के अंदर नहीं आ सकती है। वो उस समय की भी डिमांड थी कि पवित्रता की शक्ति नहीं रहती है सांसारिक जीवन में। लेकिन जब परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ता है, तब समझ में आता है कि पवित्रता यहाँ है, यहाँ क्रिएट करने हैं। एंड अभी वर्तमान समय मुझे दोनों चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो घर में रहकर भी बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र जीवन जी रहे हैं, अंदर सोच के हिसाब से। और कोई अगर अपने ऊपर ध्यान ना रखे तो वो सब कुछ छोड़ के भी डिप्रेशन में हो सकता है, उसको बहुत क्रोध आ सकता है, क्योंकि उसने बाहर से सब कुछ छोड़ दिया लेकिन अंदर तो अपने ऊपर काम नहीं किया। तो खेल सारा बाहर क्या कर रहे हो उसका नहीं है, सब कुछ करते हुए अंदर का ध्यान रखना, तो आप सब कुछ करते हुए वो अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हैं। शिवानी जी, हिंदुस्तान के पास बहुत ही एक कह सकते हैं कि हमारे पास हेरिडिटी में हमको एक कल्चर मिला है, स्पिरिचुअल कल्चर। वो कोई सिखाने वाली बात नहीं है, हिंदुस्तान की संस्कृति में ही, आर्य संस्कृति में ही ये स्पिरिचुअल हेरिडिटी में आया हुआ है। लेकिन कहीं आपको लगता है, अगेन ये मेरा सवाल सीधा है आपसे, मैं चाहूँगा कि आपसे स्पष्ट आंसर की अपेक्षा रखता हूँ, कहीं ना कहीं अलग अलग वार्डों ने ये जो सही में हमारी हेरिडिटिकल जो स्पिरिचुअल एक थी, हमारी जो पहचान थी, उसको कहीं डिस्टर्ब कर दिया? क्योंकि इतने सारे वाड़े एक अपने आप को अच्छा कहने के लिए दूसरे को बुरा कहता है, या तो बुरा कहे ना कहे लेकिन मैं अच्छा हूँ ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे, कहीं ऐसे लोगों की वजह से डिस्टर्ब हुई है हमारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी हिंदुस्तान की? आई नीड अगेन ब्लंट आंसर। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक जो शेयर करता है वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा है। अगर हमें चार लोग मिलें जो शेयर कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस और इंटरप्रिटेशन से शेयर कर रहे हैं, उसको फिर हमने धीरे धीरे ग्रुपिज्म कर दिया। जैसे रिलीजन भी, रिलीजन को इतने सारे नहीं थे, लेकिन एक एक प्रॉफिट जो सृष्टि पर आए,
जब जीवन जीने का तरीका हम भटक रहे थे, उन्होंने सिर्फ हमें जीवन जीने की राह तो दिखाई, चाहे जीसस क्राइस्ट है, मोहम्मद है, गौतम बुद्ध है, वो रिलीजन एस्टैब्लिश करने नहीं आए थे, वो एक्चुअली हमें सेपरेट करने नहीं आए थे, वो हमें सबको यूनाइट करने आए थे। लेकिन मैंने इनकी बात सुनी, इनकी सुनी, उसने उनकी सुनी, चाहे वो बातें एक कह रहे थे, हमने धीरे धीरे जाके कहा मैं इनका हूँ, मैं इनका हूँ, मैं इनका। फिर धीरे धीरे बहुत हजार साल बाद हमने कहा मैं अलग हूँ, तुम अलग हो। फिर आया मैं ऊंचा हूँ, तुम नहीं। ये तो हमारी अपनी क्रिएशन है, ये रिलीजन में भी नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी। मतलब ये डिस्टर्ब किया है? यस, किया है डेफिनेटली। अगर हम एक तो अपने आप को राइट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अगर जैसे आपने कहा कि दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो हम स्पिरिचुअली नहीं है। You know, if I am being superior or treating somebody else inferior, तो मैं खुद ही spirituality से बहुत बहुत दूर हूँ, क्योंकि कई बार wisdom की भी ego आ जाती है। True. Knowledge की ego, actually not wisdom की ego, क्योंकि wisdom होगी तो ego नहीं होगी। लेकिन जो आपको knowledge आपने acquire की, अगर उसकी ego आ गई, तो आप spirituality से बहुत दूर हैं। Spirituality सबसे पहली चीज जो सिखाती है वो है respect for everybody. And acceptance for everybody. Share आप अपनी बात करो जो भी, क्योंकि it's like आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, इलाज तो सभी शरीर का ही कर रहे हैं ना, अलग अलग तरह से कर रहे हैं। कोई नैचुरोपैथी है, गलत तो कोई भी नहीं है, कोई किसी का कर लेता है, कोई किसी का कर लेता है, लेकिन जैसे वो एक दूसरे के लिए अगर कुछ काटने की कोशिश करें या एक दूसरे को आगे पीछे करने की कोशिश करें, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम। शिवानी जी, ज़्यादातर धर्म गुरुओं या तो अलग अलग जो भी उनके स्पीकर्स होते हैं, वो लोगों को ये मैसेज देता है कि ये दुनिया फानी है, कुछ है नहीं, जीना है अच्छी तरह जी लो, आने वाले जन्म के लिए पुण्य प्राप्त करो, मोह माया में के बंधन में मत आओ। कहीं ये भी होता है कि जो मिलता है उसमें आप आराम से खुश रहे, अपने आप को आनंदित जीवन, अपना आनंदित जीवन बिताए। लेकिन फंड रेजिंग के लिए अलग अलग संस्थाएं प्रयास बहुत करती है, लोगों को बताती है कि पैसा तो जीवन थोड़ी है, लेकिन वही कहती है कि नहीं, संस्था में तो पैसा देना ही चाहिए। ये कहीं कॉन्ट्रावर्सी नहीं लग रही है? एब्सोल्युटली, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पैसा नहीं चाहिए, वही बात सही नहीं है, धन तो चाहिए। धन के बिना तो काम बाहर का कुछ नहीं। देखो, दो चीजें हैं, एक है धन, धन से मिलने वाले साधन, आपको मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये धन के बिना तो नहीं आएगा, चाहे वो आपके घर का है, चाहे वो आपके आश्रम का है, बिना धन के कुछ नहीं आ सकता है। लेकिन वो जो हमें एक्चुअली सिखाने की कोशिश कर रहे थे वो ये था कि धन से खुशी नहीं आएगी, धन से चीजें आ जाएंगी, और अपने जीवन की सब चीजें लेने के लिए, खरीदने के लिए धन चाहिए। लेकिन ये मत समझो कि धन में खुशी है, धन में साधन। That is not the only destination. That's not the only destination. That is one thing. This is one thing. You know, it's like ये मेरा मकान है, एक गार्डन इस तरफ है, एक गार्डन पीछे है। आगे का गार्डन है साधन, गाड़ी, बंगला, पीछे का गार्डन है सुख, खुशी, शांति, प्यार। मैंने सोचा आगे के गार्डन को पानी दूं तो पीछे वाला अपने आप हरियाला हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। आगे के गार्डन को भी पानी देना है, पीछे के गार्डन को भी पानी देना है, धन भी कमाना है, मेहनत भी करनी है, अपने परिवार को सब चीजें ला कर देनी है, लेकिन अपनी खुशी और सुख और प्यार को भी अंदर संभाल के करना। काम अगर आप करें रोज, लेकिन प्यार से करें, शांति से करें, खुशी से करें, तो आप जब शाम को घर आएंगे, आप धन भी लेकर आएंगे, लेकिन धन के साथ साथ आप खुशी भी लेकर आएंगे। आज हमने क्या किया, काम किया, काम के साथ टेंशन, गुस्सा, जेलसी, ये क्रिएट कर दी सारे दिन। इट्स अ बाय प्रोडक्ट। इट्स नॉट अ बाय प्रोडक्ट, इट्स अ क्रिएशन। इट्स नॉट अ बाय प्रोडक्ट, इट्स अ चॉइस वी मेक व्हाइल वी आर वर्किंग। अगर मैं आपके साथ अभी काम कर रही हूँ, ये टेक्निकल टीम है, इसमें चीजें ऊपर नीचे भी हो सकती है, ये कैमरा सडनली खराब हो सकता है, यहाँ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आप लेट हो सकते हैं, मैं लेट हो सकता हूँ, बहुत कुछ परिस्थितियां हैं जो आ सकती हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में या तो हम इरिटेट हो जाएं, हम इनको डांट दें, रिएक्ट कर दें, या हम कहें ओके करो जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं, ट्राई योर बेस्ट, गेट इट डन। इट्स नॉट अ बाय प्रोडक्ट, इट्स अ चॉइस। It's a choice we will make while working. अगर हम सारा दिन वो अपने choices ठीक कर लें, that is अपना ध्यान रखें और फिर धन कमाएं,
तो हम दोनों चीजें कमा कर घर ले आएंगे शाम को, नहीं तो आज हम अपने बच्चों को टेंशन और गुस्सा। शिवान जी यहाँ रोकूंगा। दर्शक मेरे समय दो, जो फरी एक बार विराम न हो, विराम बाद अद्वैतवाद विषय निवात हो शिवानी जी साथ है। विरामपत फरिये का स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथिमा। शिवानी जी, अद्वैतवाद मेरे हिसाब से एक ही भगवान है, गॉड एक ही है। अगेन वो वाली बात आ जाती है कि लोग अलग अलग बातें सुन के कन्फ्यूज होते। क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि साकार निराकार, ये खास ये एक इश्यू बहुत साल से ये भी चल रहा है। आप अपनी अंदाज अपने अंदाज में अपनी सोच बताएंगे, ब्रह्मा कुमारी जी इसके जो भी है उनका थॉट प्रोसेस कौन से डायरेक्शन में लोगों को ले जाना चाहेंगे आप? यहाँ पर हमें समझ में आता है, डायरेक्ट परमात्मा से ये समझ मिलती है कि परमात्मा निराकार है और हम सब भी निराकार है। हम सब आत्मा है, निराकार है, एनर्जी है जो जब इस शरीर को लेती है, शरीर को यूज करती है, तो हम निराकार इस आकार माध्यम का यूज करते हैं। अब इस साकार माध्यम को यूज करते करते बहुत समय से हम अपने को निराकार भूल चुके। निराकार मतलब इसका शरीर नहीं है, वो हमारा भी शरीर नहीं है। जब शरीर लेते हैं तो हम साकार में आते हैं, क्योंकि हम साकार में आ गए, हमने सोचा परमात्मा भी कोई साकार नहीं होगा, वो है निराकार, हम उसको साकार में ढूंढने लगे। और फिर जिसके भी अंदर हमें दिव्यता दिखाई दी, जिसके अंदर हमें वो प्योरिटी दिखाई दी जो हमें अपने अंदर नहीं दिखी, हमने उसको परमात्मा का रूप मानना शुरू कर दिया। और उस प्रोसेस में जो एक्चुअल परमात्मा है निराकार, हमारा कनेक्शन उससे नहीं जुड़ा। जैसे हमें समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, फिर उस निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत ईजी है। निराकार वाद में मानने वाली और एक आर्य समाज संस्था, बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी इसके लिए वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल तूत चला रहे और कुछ नहीं है। उनका भी एम यही है कि निराकार वाद पे ही जाना है। क्यों ये होता है, क्यों ये होता है, क्या 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 साथ में बैठ के जो भी निराकार की सोच रखने वाले, क्या क्या एक साथ नहीं हो सकता? ये हर एक साथ हो सकता है, लेकिन उसमें हर एक की चॉइस होगी ना। कोई जुड़कर करना चाहता है, कोई नहीं भी करना चाहता, और अगर उनका कोई अलग ओपिनियन है किसी का भी, और दे हैव अ राइट टू देयर ओपिनियन, अंटिल दे होल्डिंग ऑन टू दैट ओपिनियन, इट्स ओके, वी रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। यू नो, सपोज आपकी सोच से मैं अपनी सोच को नहीं मैच करूं, तो फिर कई बार मैं आपकी सोच के प्रति क्रिटिकल हो जाती हूँ। आई कैन ओनली से कि आपकी और मेरी सोच अलग हो सकती है, लेकिन क्रिटिकल होना ये मेरी चॉइस है। और जब तक कोई क्रिटिकल है, हम उनको सिर्फ रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते हैं। शांति की बात आपने बताई, क्रोध पे काबू, जो भी व्यथित होते हैं कोई भी, उसके लिए जो जो अलग अलग एलिमेंट्स है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। डोंट यू फील दैट कि ये सब किताबी बातें हैं? एक रूम में बैठ के मैं ये बात कर सकता हूँ, मेरे कहने से जो डिपार्टमेंट चलता है वहाँ पे मैं ये बात कर सकता हूँ, फिजिकली प्रैक्टिकली सोसाइटी में ये करना बहुत मुश्किल है। और शायद स्पिरिचुअल गुरु ऐसी मुश्किल बातें करते हैं, लोगों को लगता है हम ये अचीव नहीं कर पाए, जहाँ तक पहुँचना था नहीं पहुँच पाए। तो अगर ऐसी बातें हैं तो क्यों ना बॉर्डर पे जाके सामने वाले देश जो हमारे दुश्मन देश है वहाँ पे भी प्रयत्न क्यों नहीं किए जाए? क्यों नहीं किए जाए? डेफिनेटली किए जाए, किए हमने हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से कभी किया है कि बॉर्डर पे गए, अच्छी तरह से बड़े स्पीकर्स लगाए, बॉर्डर भी बहुत कम है मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान की, स्पीकर्स लाउडली रखिए, पाकिस्तान की सेना भी हिंदी समझती है, थोड़ा बहुत उनके कानों में भी पड़ेगा तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था में हमारा लक्ष्य ही दूसरे को बदलना है ही नहीं, पहली बात, क्योंकि ये फर्म अनुभव और बिलीफ है कि हम किसी और को नहीं बदल सकते हैं। हम हर एक इस कार्य पे या इस जर्नी पे जुड़े हुए हैं अपने आप को चेंज करने का। देयर इज ओनली वन फोकस, संस्कार परिवर्तन। मैं अपना इलाज कर रही हूँ सिर्फ। अगर मुझे कोई भी मिले
जो अपना करना चाहे तो मैं सिर्फ शेयर कर सकती हूँ, इम्पोज नहीं। मीन्स यू आर नॉट गोइंग ऑन, मतलब किसी को बदलने की मुहिम नहीं है। हम कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। नो वन कैन चेंज अदर पीपल। मैं किसी को बदल नहीं सकता, ना आप किसी को बदल सकते हो। किसी को नहीं बदल सकते। अगर हम अपनी सारी एनर्जी और फोकस अपने को संस्कार परिवर्तन में लगाएं, तो हमारे संस्कार दूसरों पर प्रभाव डाल सकते। ये कहीं अपना नॉलेज सेल्फ सेंटर्ड करने की बात नहीं। टोटली सेल्फ सेंटर्ड, बट दैट्स द ओनली वे इट वर्क्स। आज दिन तक हम सिर्फ दूसरों को चेंज करने में लगे रहे। व्हाट वाज द रिजल्ट? पेरेंट्स बच्चों को चेंज करने में लगे रहते हैं, बच्चे से गलती हो रही है उसको डांट कर उसको चेंज करने में लगे रहते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट? बच्चा और भी जिद्दी होता जाता है, या बच्चा डर से अंदर चला जाता है। आज आई एम मीटिंग सो मेनी पीपल जो उनकी पर्सनालिटी आज ऐसी है क्योंकि बचपन में या तो पेरेंट क्रिटिकल थे, या यू नो अब्यूजिव थे, या हाथ भी उठा देते थे। आज उनकी पर्सनालिटी वैसी बनी हुई है जिसपे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है उनको अपनी पर्सनालिटी चेंज करने में, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने इमोशंस पर पहले अटेंशन नहीं रखा, बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे थे। हर एक अपने पे वर्क करे, अपने पे वर्क करे। मेरा अपने पे वर्क करने का बेनिफिट ऑटोमेटिकली औरों को मिलता है। अगर मैं अपने क्रोध पर काम करूं तो मेरा औरों के साथ काम करने का तरीका बदल जाता है, वो बेनिफिट औरों को मिलता है। फिर उन्हें अगर प्रेरणा आए कि वो अपने क्रोध पर काम करे, दैट इज देयर चॉइस। उनकी इफेक्ट, उनकी औरा कहीं किसी और पे इफेक्ट करेगी। अश्वनी, आप अलग अलग फंक्शंस भी करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज के लिए, पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत क्या 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 ना है हिंदुस्तान के जो पॉलिटिक, मुझे मालूम है कि आप बहुत ही अपनी सौम्य भाषा में ही इनका जवाब देंगे, फिर भी हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस के बारे में क्या कहना है शिवानी जी का। ऑल लाइक ऑल ऑफ अस, हम क्यों उनको सिंगल आउट करते हैं हमेशा? वो हमारे तरह इसी समाज का हिस्सा है, और समाज क्या है? हम सब की एक एक की सोच के साथ समाज बन रहा है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मतलब हमारी गलती हमें माफ करना चाहिए उनको, कि हमारे में से ही है, हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे हैं, और जो हमारे संस्कार हैं वो आज उनके भी संस्कार हैं। हम कैसे ब्लेम फिंगर करते हैं ऐसे हर टाइम और उनको सिंगल आउट करते? कहीं जिम्मेदार कम्युनिटी है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेवार हर इंडिविजुअल है, जिम्मेवार कम्युनिटी नहीं है। हर आत्मा के संस्कार आज थोड़े से इम्प्योरिटी की तरफ है, चाहे लोभ कहो, चाहे अहंकार कहो, चाहे क्रोध कहो, उस वजह से करप्शन आई है ना। और तो करप्शन क्यों आएगी? अब करप्शन तो हर लेवल पे हो रही है, कौन से लेवल पे नहीं हो रही, लेकिन वो करप्शन हर आत्मा चूज कर रही है। आज अगर मेरे से ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस हो जाए गलती से, तो भी मेरे पास चॉइस है कि मैं फाइन पूरा भर दूं या 50 रुपए पॉकेट में डाल के आगे क्रॉस करूं, तो तब मैंने करप्शन नहीं की। मैं ट्रेन में चढ़ी, मेरे पास टिकट नहीं थी, मैंने प्रॉपर पैसे दिए या टीसी की पॉकेट में 50 रुपीज डाल के, आई हैव नॉट इंडल्ज्ड इन करप्शन। एवरीवन्स डूइंग इट एट देयर ओन वे, इट्स जस्ट दैट सम पीपल आर पब्लिक फिगर्स, तो उसका इट्स अ बिगर प्लेस एंड इट्स बीइंग शोन। बट उनको ब्लेम करने से व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नथिंग। अगर हम सब हर एक अपने ऊपर काम करता जाए, अपनी करप्शन को खत्म करें, करप्शन यहाँ, बाहर की करप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आत्मा जब संतुष्ट हो जाएगी वो गलत तरीके नहीं अपनाएगी। बट दैट्स नॉट फॉर अस टू सिट एंड ब्लेम अदर पीपल, इट्स फॉर अस टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर पीपल। ये ब्लेम करने से हम अपने आप को फ्री कर लेते हैं, वो ठीक हो जाए तो देश ठीक हो जाएगा। अगर वो सारे भी अपने आप को चेंज कर लें तो हमारा देश ठीक नहीं होगा। देश यहाँ है, हमारी दुनिया पहले यहाँ है। हर एक अपनी दुनिया को ठीक कर ले तो ये दुनिया ठीक हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में हम कहते हैं, संस्कार परिवर्तन तो संसार परिवर्तन होगा। थैंक यू वेरी मच शिवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक मित्रों, आती बात शिवानी दीदी साथ है। फरी मरीशू नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथ है, ध्यान सूर्य जाप शो। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I'm not going to be able to do that.